कीमा टेस्ट किया, स्टेरिफिक टेस्ट, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अभी हमारा संडे का लंच है माशाल्लाह से, ये सुधीर भाई के घर से आया है स्टेरिफिक पुलाव। ये है चने की दाल, वो आलू है बधाए के, ये दाल वो है, और ये हमारा त्यूरी के साथ में। ये हमारा ग्रुप है, आज दो बंदे और नहीं है, अबरार भी चला गया बेचारा नाइट ड्यूटी में, कोई मसला ये होटल वाला ने गिरे भी नहीं, नहीं नहीं वो है दिस साइड पूरी। अच्छा भाई ये चिकन कीमा फुल प्रोटीन, ये फाइबर सब इसी में, ये रोटी निकालो भाई, एक पेपर प्लेट देना बताए, ये सारा सब मॉर्निंग में दिल्ली में पड़े हैं, रोटी निकालो मैं पहले ये टेस्ट करूं अपना कीमा जो आया है, ये समोसा है करे लो, शुरू करो गुल का सदे से ना ये वाणी ना मंदर बंदे को दे मार दो कोई नो यार मानी करे के अलावा था। अभी मुझे ये दाल टेस्ट करनी है त्यूरी वाले, तो उसका टेस्ट कैसा है, माशाल्लाह वेरी नाइस टेस्ट, पूरे बैलेंस में इसमें मसाला डले हुए, मज़ा आ गया। इसके बाद मुझे अभी जो टन है उधर बताए आलू पर है, उसको मैं टेस्ट करूँगा वो कैसे बने हुए, बाद में पुलाव, पुलाव हम एंड में खाते हैं क्योंकि इसमें फुल प्रोटीन होता है। माशाल्लाह आलू का सालन बहुत आला बना हुआ है, मुझे गांव की याद आ जाती है जब भी खाता हूँ। क्या गर्म होकर है ये भाई माशाल्लाह, चिकन बिरयानी बहुत बहुत अट्रैक्ट कर रही है मुझे, और ये स्कीमे ने भी मुझे बहुत माशाल्लाह मज़ा दिया आज, और बाद में बहुत मैं अभी डाइट खत्म कर दी नहीं खत्म कर दी। ये हमारे सुधीर भाई हैं बताए, पांच बंदे आज, बाकी जितनी भी वो थी शिफ्ट चेंज हो गई, ये उस्ताद है बेचारा साजिद भाई आज इसको डाइट पर था साइड में बैठा होता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये हमारे दो सालन ख़त्म हो गए, रोटियां भी एंड पर हैं, अभी हम खाएंगे राइस चावल, यानी कि ये जापान के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और सिंधी लोग पाकिस्तान, क्योंकि इसमें सारी वो प्रोटीन पोटाशियम फाइबर हर चीज़ है खाने में, और मज़ेदार बिरयानी पुलाव से अच्छी कोई चीज़ नहीं, और सफ़ेद चावल दूध में मिलाकर खाने का मज़ा ही अपना है। ये तोकीर भाई हमें आज सर्व कर रहे हैं मैंगो के साथ। हाँ ओके ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसको टेस्ट आउट करूँगा क्या टेस्ट। अच्छा ये पुलाव भी है, ये बिरयानी भी है, दोनों चीज़ें एक साथ सुधीर भाई लाया है माशाल्लाह। माशाल्लाह टेरिफिक टेस्ट कम बिरयानी बहुत आला बनी हुई है, पता नहीं कहाँ से आई है, ये देखता हूँ गरम था बाबा गरम वाइट पुलाव माशाल्लाह, ये वाइट पुलाव जबरदस्त माशाल्लाह कारीगर। अच्छा भाई ये हमारी संडे की अपडेट थी सर, टोटल मिला जुला कर इसमें पुलाव भी था, कीमा भी था, चिकन में चने की दाल थी, त्यूरी में आलू का वाइट सालन था, जिस कायना थी बहुत अच्छा बना हुआ है वाइट पुलाव सुधीर भाई का, जबरदस्त टेस्ट नहीं। अच्छा ये है मेरी ग्रीन टी, लंच के बाद पीनी पड़ती है क्योंकि बहुत हैवी लंच हो जाता है, तो इसको क्लास करने के लिए